नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार को लगता है कि किसानों के आंदोलन को मोदी सरकार बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट के जरिए, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और मोदी के संवाद जैसे कार्यक्रम के जरिए इन किसानों के आंदोलन को खत्म कर देगी और बाकी जो किसान बचेंगे उन किसानों को गुमराह किसान, उन किसानों को भ्रमित किसान कहकर के खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार गलत साबित हो रही है। ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई है, ये तस्वीर है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की तस्वीरें है। उधम सिंह नगर पर यह बाजपुर बॉर्डर है जहां की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए गोदी मीडिया में एक अलग ही नैरेटिव चलाया जा रहा है। गोदी मीडिया में कहा जा रहा है कि देखिए इन किसानों ने कैसे पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, एक एक करके परत दर परत पूरा सच आपके सामने रखेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपको बताएंगे कितनी बड़ी संख्या में ये किसान है और ये किसान कहां तक पहुंच गए हैं और कहां इन किसानों को आना है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इन किसानों ने, जिन किसानों को उपद्रवी कहा जा रहा है, इन किसानों ने पीसफुली मीडिया से अपील की थी। सबसे पहले इन्होंने मीडिया से अपील की, उसके बाद में शांतिपूर्वक तरीके से इन्होंने पुलिस से अपील की और उसके बाद में शांतिपूर्वक तरीके से इन्होंने बैरिकेड को हटा करके वहां से निकलने की कोशिश की है और उसके बाद में ये हालात जो है वो पैदा हुए हैं। पर दर पर जो है पूरी सच रखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे उधम सिंह नगर से मजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से अपील की है कि आप हमारी आवाज को दिखाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेस्ट करना हर नागरिक का कर्तव्य है, उसका हक है, वो कर सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है, आप हमारी आवाज को दिखाइए। ये मीडिया से अपील कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। सबसे पहले आप इसको देखिए, मीडिया से अपील करने के बाद में किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर मौजूद आला अधिकारियों से अपील की और अपील करने के बाद में किसान पीछे भी हटे और उन्होंने कहा कि आप जो भी रास्ता हमें सुझाएंगे हम उस रास्ते से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कोई भी रास्ता दे दीजिए जिससे हम दिल्ली निकल जाएं और उत्तर प्रदेश की सीमा में आ जाएं। ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की सीमा में आना चाह रहे थे, उत्तर प्रदेश से फिर दिल्ली की तरफ। पुलिस के अधिकारियों से भी इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपील की है, ये भी आप देखिए। हमारे को अभी नवाबगंज से हमारे लोग निकले, किसी ने रोका, रामपुर डिस्ट्रिक्ट है वो, रामपुर डिस्ट्रिक्ट के नवाबगंज से अभी सारी ट्रालियां निकली, ट्रैक्टर निकली, कोई नहीं रोका। यूपी में हम मुरादाबाद से हमारी वो पहुंची है, वहां पे कोई तो यूपी में जा रहे हैं। एक मिनट सुनिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में से निकलने के लिए तो कहीं से तो निकलेंगे, आप हमें बता दें सस्ते निकल जाते, हम तो मना ही नहीं कर रहे। हम आपके जो स्टेट में हैं, स्टेट में से कैसे बाहर निकले, आप जो रास्ता थे वहां से जाते हैं तो यूपी के सर तो यार यूपी में स्टार्ट कर, उत्तराखंड के लोग यूपी में चले जाए तो यूपी में तो जा रहे हैं, वहीं से स्टार्ट कर। चलो आप बात कर रही, चलो थोड़ा देर संयम रखो, वार्ता चल रही है तो दस दें जितना की गलबात हुई है। एसपी से बात हुई है उत्तराखंड के, एसपी वो कह रहे हैं कि हम ऊपर बात करते हैं उसके बाद हम बताते हैं। सर साहब की तरक्की दिखा जा रहा है, क्यों नहीं दाखिल होने, कोई जवाब नहीं दे रहा। देखो सानू हैरानी इस गल दी आ, पर असी देखो कितना पीसफुल आ, असी साडे बंदे पिछे खड़े ने, कोई अपने उत्ते नारे ला रहे ने, आ सामने यूपी आ, 10 मीटर बाद यूपी च वड़ जाना सी, कह रहे कि यानू यूपी दी। मीडिया से अपील की, उसके बाद में पुलिस अधिकारियों से अपील की, लेकिन जब कुछ नहीं बना तब उसके बाद में किसानों ने अपनी कार्रवाई शुरू की और किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से वहां से बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया और उसके बाद में ये हालात पैदा होते हैं। आप ये वीडियो देखिए। हाँ देखो जी, देखो हाँ देख लो, ये आ पै गया संगल, आने लगे खिच, ये आ गया जी पत्थर, हाँ लो जी, हाँ देख लो जी, भजन लग पे हाथा पैर जी पैगी आते अपने आप भजन लग पे आ बन के आ तोड़ लिया। हाल 5 मिनटा के अंदर अंदर राह खाली खिच लो, कई हल पत्थर ले रखते हैं
इन्हों पत्रों से बड़ा माण सी मैंने अभी क्या जी ना मनोहर लाल खट्टर जी ने इन्होंने पत्रों से बड़ा माण सी भाई ना करो पत्रों से माण इन्होंने पले कख किसानों को दिल्ली आना था और दिल्ली आने से उनको रोका जा रहा था। ऐसे में उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो पुलिस के बैरिकेड को इसी तरह से हटा करके आए क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से वो आना चाह रहे थे लेकिन पुलिस वहां पर कोऑपरेट नहीं करती है, सरकार कोऑपरेट नहीं करती है और उनको वहां पर रोकती है। उसके बाद में जो है वो इनको ऐसे ये रास्ता जो है अपनाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद में गोदी मीडिया में जो नैरेटिव चल रहा है सही वर्सेस गलत का नैरेटिव चल रहा है कि देखिए किस तरह से पुलिस वालों के ऊपर चढ़ा दिया गया है। आज तक की खबर देखिए, आज तक की खबर 25 दिसंबर 2020 को इन्होंने अपलोड की है, रात को 8:02 पर ये खबर अपलोड की है और इसमें लिखा है उत्तराखंड में पुलिस और किसानों में जबरदस्त टकराव, ट्रैक्टर से तोड़ी बैरिकेटिंग। उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर में किसान और पुलिस में जबरदस्त टकराव हुआ, बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए किसान यूपी की सीमा में घुस गए। किसानों ने पुलिस बैरिकेड पर ट्रैक्टर चलाया। किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक महीने से जारी है, अब किसान आंदोलन अन्य राज्यों में भी फैल रहा है। तो किस तरह से अलग अलग राज्यों से अब उत्तराखंड के किसान आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान है, फिर कहा गया कि उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो है वो कुछ किसान यहां पर आ गए, लेकिन अब उत्तराखंड से भी आ रहे हैं। वहां पर महाराष्ट्र से किसान जो है वो मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। वहां पर जयपुर हाईवे जो है वो बंद होने की स्थिति में, चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है और चारों तरफ से बड़ी संख्या में किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ये किसान जो है ये यहां से चल करके गाजीपुर पहुंचेंगे और गाजीपुर में जो पहले से किसान मौजूद हैं वहां पर ये किसान स्टे करेंगे और जैसे ही इन किसानों का अल्टीमेट ये है कि 26 जनवरी तक अगर सरकार नहीं मानती है तो 26 जनवरी को ये किसान अपने ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा झंडा लगाएंगे और तमाम बैरिकेड को तोड़ते हुए ये लोग सीधा सीधा दिल्ली के अंदर आएंगे, ये इन्होंने ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम अपने ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा झंडा लगाएंगे और उसके बाद में देखेंगे कि उन ट्रैक्टर के ऊपर कौन पानी की बौछार चलाता है और कौन उनको डंडे से तोड़ने का काम करता है, तब पता चलेगा कि असली देशभक्त कौन है और नकली देशभक्त कौन है। इनका प्लान जो है वो ये है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से मीडिया में नैरेटिव चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पुलिस वालों के ऊपर जो है बैरिकेड चला दिया है, पूरी वीडियो जो है हमने आपको दिखाई किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से किसानों ने अपनी तरफ से जो है वो शांतिपूर्वक आने की कोशिश की लेकिन उनको रोका गया, उसके बाद में हालात जो है वो ये हुए हैं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।